शीला, सुबह सुबह कहाँ से और रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ, तेरी सास मर गई है क्या? अरे वो डायन इतनी जल्दी मरेगी, वो जैसी चार को मारने के बाद मरेगी। तो फिर क्या हुआ है? मत पूछो, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। हे राम, बताएगी? अरे भैया कहाँ है? सुनो, अरे तो ये आधा घंटा बाथरूम में बैठने लग गए हैं। अरे सुनो। हाँ, यहाँ भी चैन से मत बैठने देना तुम। हाँ वहीं रहो तुम, बाहर मत निकलना। कहो तो बिस्तर लगवा दूँ? बिस्तर नहीं, बेड लगवा दो। मना किया था प्रेमचंद के मोमोज मत खाओ मत खाओ, खुद तो दो प्लेट खाई, मुझे चार प्लेट और तो सुवा दिया। और जो रात को कहा था कि बाबा जी का चूरन खा के सोना, तब तो मेरी बात नहीं सुनी। हाँ चूरन चटनी बस यही सब रह गया जिंदगी में। भैया सुशीला। अरे वाह, पहना की आवाज तो कायम छोड़ निकली, बड़ी जल्दी उतर गई। ज्यादा मत बोलो नहीं तो इसी हाथ से छू दूंगा, फिर दिन भर नहाओगी समझी? जाके इन हाथों से ना अपने बहन के आंसू पोंछो, जो पता नहीं कहां से रो धोकर आ रही है। रो रही है सुशीला? अरे सुनो कहां। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? अरे मत पूछो भैया, कैसे बेवड़े आदमी के साथ फंस गई मैं, जब देखो दारू में डूबा रहता है। दारू? हाँ दिन भर दारू, सोने से पहले दारू, उठने के बाद दारू, और एक दिन तो मेरे लिए भी पैक बना दिया, कहता है मियां बीवी साथ बैठकर पिएंगे। कौन सा ब्रांड पीता है? ब्रांड हमको क्या पता, वैसे तो वो सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं और बॉटल में लिखा था 8 बजे। 8 PM? हैं? एक ग्राम विकास अधिकारी का बहनोई 8 PM पीता है? 500 रुपए की दारू, इतना सस्ता टेस्ट। छोड़ उनको, फिर क्या हुआ? उसने पिलाई तो तुमने पी ली? नहीं मैं तो मना कर रही थी, पर उसने जबरदस्ती पिला दी। कैसी लगी पीके? तुम क्या पूछ रही हो कैसी लगी, तुम्हें भी पीनी है क्या? तुम चुप करो, मुझे सब पता है। सब पता है क्या मतलब, एक ग्राम विकास अधिकारी की बीवी दारू? अरे मैं कह रही थी पहले पूरा मामला तो जान ले। अब फिर क्या हुआ सुशीला? पहले तो कड़वा लग रहा था, पर बाद में पीने के बाद थोड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है ना। तुम क्या है ना कर रही हो, मुझे तो लगता है जो तुम्हारी किटी पार्टी होती है उसमें भी दारू चलती है। देखो मेरी किटी पार्टी के बारे में तुम कुछ भी मत कहना। क्यों ना बोलूं, होती तो मेरे घर में ही है, किचन का बिल तो मेरा ही उठता है ना। जब तुम्हारे जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी घर आते हैं, उनके लिए जब मटन और पुलाव बनता है, तब तुम्हारा बिल नहीं उठता। ऐसा है, इतने बड़े पदाधिकारियों के नाम अपने छोटे मुंह से मत लिया करो समझी। किसका मुंह छोटा है, तुम्हारे इस गिरंडे जैसे मुंह से तो बहुत अच्छा है मेरा मुंह। अरे आप दोनों फिर शुरू हो गए, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुशीला आज जो तेरी हालत हुई है ना, सब इसी आदमी की वजह से हुई है। तू छोड़ इनको, तू मुझे बता फिर क्या हुआ। उसके बाद मत पूछो क्या हुआ, सारी रात मैं बाथरूम में उल्टियां करती रही, पर वो आदमी एक भी बार नहीं आया, भैंस की तरह सोता रहा। बिल्कुल तेरे भैया की तरह। चुप करो तुम, और तूने ही तो पसंद किया था उसको, उस वक्त जिला विकास अधिकारी कुंवारे थे, अगर आज शादी हो गई होती तो लगे हाथ मेरा प्रमोशन हो जाता। हाँ तो बस अब नाम के लिए कह रहे थे, जब दहेज की बात आई थी तो आप और पापा दो दो दिन तक घर नहीं आते थे, आप ही बताओ मैं कुंवारी बैठी घर पे बुढ़ी ना हो जाती। हाँ ठीक है, अब घबरा मत तू, आज ही जाकर उस पियक्कड़ से बात करता हूँ और देखता हूँ कैसे ग्राम विकास अधिकारी की बात मना करता है वो। नहीं भैया अब आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हमने फैसला कर लिया है, हम घर छोड़ कर आ गए हैं और अब हम यहीं रहेंगे। सुशीला मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी ये सब फैसले क्या तुम्हें? बस सुशीला अब रो मत, और जब तक तेरा मन करे तू यहीं रह। एक मिनट, यह रहे मतलब? यहीं रहे मतलब यहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? तुम मेरे साथ अंदर चलो। अरे देखो सुशीला रो रही है, यहीं बोलो बोलना है जो मैंने कहा। अरे यार इसका यहाँ घर टूटा जा रहा है और तुम्हें अकेले जाकर बात करनी है। अरे कुंडी क्यों बंद कर रही हो? अरे यार सुबह सुबह मेरे से नहीं होगा, बाहर बहन बैठी है। पहले ये बताओ ये यहाँ क्यों रहेगी? तो कहाँ जाएगी, ये यहीं रहेगी। अरे इसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रुपए कमाता हूँ, बोलेरो रखता हूँ, दफ्तर में लोग थर थर कांपते हैं, तो मैं अपनी बहन का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा? अच्छा 55,000 रुपए, जब तक मेरे बेटे के कॉलेज से धमकी नहीं आती ना, तुम उसके कॉलेज की फीस नहीं भरते हो और बहन को रखने की बातें कर रहे हो। अरे तो उस नालायक का पढ़ने में मन लगे तब फीस जमा करूँ ना। देखो मेरे बेटे के बारे में कुछ भी मत कहना। हाँ तो तुम्हारा ही तो बेटा है, हमारे लिए तो राक्षस है, हर महीने 55,000 रुपए में से 15,000 रुपए खा जाता है लेकिन फोन तक नहीं करता।
अपने बेटे को देने के लिए तो तुम्हें बहुत दर्द होता है। बहन ने तो आंसू के बहा दिए तो उसको रखने की बातें कर रहे हो। अरे तो और कहाँ जाएगी? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाए। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, मेरा पति बिजनेसमैन है, अब क्या हुआ? अरे सुन लेगी तो कैसा लगेगा, चुप रहो। सुन ले, पर वो यहाँ नहीं रहेगी। एक ग्राम विकास अधिकारी ने जुबान दी है, वो इसी घर में रहेगी बस। अगर ग्राम विकास अधिकारी ने जुबान दी है तो वो ही घर का खाना बनाएगा। एक ग्राम विकास अधिकारी खाना नहीं बनाएगा। खाना ही नहीं, बर्तन भी धोएगा, पोछा भी लगाएगा, झाड़ू भी लगाएगा। मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ, एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ। और अगर मेरी बहन के यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, अभी के अभी अपने मायके चली जाओ। और ध्यान रखना, ये ग्राम विकास अधिकारी तुम्हें लेने कभी नहीं आएगा। मुझे रहने का शौक भी नहीं है, पहले जो मैं दहेज में लाई थी ना, एक एक पाई मुझे वापस कर दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे रहने तो, दहेज के नाम पे तुम्हारे बाप ने चेतक कह के वो घोड़ा दे दिया था, जंगल में ऐसा भागा कि अभी तक नहीं आया। और बकवास मत करो, मेरी बहन बाहर बैठी है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। मेरे पापा मर्सिडीज दे रहे थे। अरे यार तुम, अरे सुशीला। भैया मैंने सब सुन लिया है, अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इस घर में इतनी नफरत है। ऐसा है, ज्यादा सीरियल देख के डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, तू इसी घर में रहेगी। देखो हमारी बात हो चुकी है। हाँ तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, चली जाओ बाहर, जाओ। जब तक मेरे दहेज की एक एक पाई का हिसाब नहीं होगा ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और चेतक भी लेके जाऊंगी। ऐसा है, अगर हिसाब करने पे आया तो 25 साल से जो तुमने खाया है सारा हिसाब कर दूंगा, फिर पता लगेगा किसका पैसा ज्यादा है। और जो मैंने 25 साल तुम्हारे लिए सेवा करी है, सुबह दोपहर शाम रात तुम्हारे लिए मटन और पुलाव बनाया, उसका क्या? देखो इस घर में रहना है तो इस घर का काम करना पड़ेगा। भैया मुझे तो काम करना ही नहीं आता। ऐसा है, जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, समझी? और मेरी बहन इस घर में काम नहीं करेगी, किसी कारणों से ये यहाँ पर है। देखो बोल दिया तो बोल दिया, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। इस घर में कलेश मत बढ़ाओ, यहाँ मेरी बहन रहेगी, मतलब रहेगी। भैया